अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर सदीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबई स्काई। दोस्तों, वो दोस्त जिन्होंने अपना यूएई की डल्सको कंपनी में वीज़ा अप्लाई किया था, उनके वीज़े तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक कंपनी जो है वो टिकट नहीं भेज रही। तो आज इसके वाले से इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कंपनी जो है वो आपके टिकट क्यों नहीं भेज रही और कब तक आपके टिकट आना शुरू होंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे वही मत बंदा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करना है और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं डल्सको कंपनी की। अगर आपने डल्सको कंपनी में अप्लाई किया, आपका वीज़ा जो है कंपनी ने भेज दिया, उसके बाद 10 से 15 दिन गुजर चुके हैं, आप अपने एजेंट से जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारी टिकट क्यों नहीं आ रही, तो आपका एजेंट जो है वो बोल देता है कि आपको आज टिकट मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, इसी वीक में मिल जाएगी, कंपनी की तरफ से लेट है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, ये कंपनी ने ही आपकी टिकट जो है वो कंफर्म करके एजेंसी पे भेजनी होती है। जब एजेंसी पे जो है आपकी टिकट आ जाती है तो एजेंसी वाले आपको ऑटोमेटिक ही कॉल करते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, आकर आप अपनी टिकट और वीज़ा ले सकते हैं। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो दोस्त जिनके वीज़े आ चुके हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने अब टिकट जो है वो भेजना शुरू कर दी है। तो इसी वीक के अंदर अंदर आपको भी कॉल आ जाएगी अगर आपका कंपनी ने वीज़ा भेजा हुआ है। तो इसलिए जिन दोस्तों के वीज़े आ चुके हैं और उनकी अभी तक टिकट नहीं कन्फर्म हुई, तो इंशाल्लाह उनके इसी वीक में टिकट कन्फर्म हो जाएगी और वो दोस्त ईजीली अपना यूएई के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं ताकि जो दोस्त जिनके वीज़े आ चुके हैं और उनकी टिकट आना बाकी हैं तो उनकी ये परेशानी दूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।